हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, आज मैं पिकॉक, नर और मादा दोनों की एक ऐसी एक्टिविटी आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसे ना तो मैं अब तक समझ पाया। मैं लगभग बचपन से ही इस जानवर के, इस पक्षी के आसपास रहता हूँ। ये हमारे लिए भरपूर है, खूब समझने की कोशिश करिए ये इनकी कौन सी एक्टिविटी है, लेकिन ये एक्टिविटी करते कब है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा नज़दीक करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब इनके जो दोनों की जो गर्दन है थोड़ा सा हिल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बार कैमरे को स्थिर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये दोनों नर और मादा मिलन से पहले, क्योंकि ये टाइम क्या है इनका, एक्साइटमेंट का है। इसके 2 महीने बाद ही, अगस्त के आसपास जाके अक्टूबर तक लगा लो, ये अंडे दे देते हैं, बच्चे निकाल लेते हैं। लेकिन मिलन से पहले, प्रजनन से पहले ये दोनों पक्षी, नर और मादा, ऐसे एक साथ खड़े खड़े अपनी गर्दन को एक साथ करते हैं, अपनी दोनों अपने चोंच को एक साथ करते हैं, घंटों तक ऐसे बैठे खड़े रहते हैं। बैठना, खड़ा रहना मिलन से पहले होता है। अब ये प्रजनन करेंगे उससे पहले ये इस तरीके से एक साथ खड़े रहते हैं, या फिर कहीं इधर उधर भी जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। मादा आगे जाएगी, नर उसके पीछे रहेगा। लेकिन आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी नज़दीकी से, बारीकी से इनको दिखाया आपको। ये एक अजीब सी इनकी एक एक्टिविटी है, और ये सिर्फ और सिर्फ जब बारिश के टाइम पर इनका प्रजनन टाइम आता है ना, उस समय ऐसा करते हैं। नहीं, उसके अलावा नर और मादा कभी भी एक साथ रहना पसंद नहीं करते। देखो, मादा थोड़ी सी घूमेगी फिर वापस सेम पोजीशन लेके फिर खड़ी हो जाएगी। नर हल्का सा उसके साथ आने की कोशिश करेगा। ऐसा हर एक जोड़ा नहीं करता, प्रत्येक जोड़ा ऐसा नहीं करता, क्योंकि पिकॉक्स में जोड़े बनते ही नहीं। नर और मादा साथ रहते ही नहीं, बच्चों को सिर्फ मादा मादा सहती है, सबको पता है, कितने वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यदि पिकॉक थोड़ा दूरी बनाता है तो मादा वापस पिकॉक के पास चली जाती है। तो दोस्तों, पिकॉक्स के अंडे और बच्चों के वीडियो देखने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। अभी दोस्तों 2 महीने शेष हैं, मैं सब बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा।